इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे डीएनए से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जिसमें हम लोगों का पहला सवाल है कि डीएनए का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म्स ऑफ डीएनए। क्या होता है, तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डीएनए का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। दूसरा सवाल है कि डीएनए की खोज जो है किसने की थी, ठीक है, तो जिसमें सही जवाब होगा हम लोगों का क्या, डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिक माइसर्स ने किया था और इनकी संरचना डबल हेलिकल होती है, जिसकी खोज वाटसन तथा क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने 1953 ईस्वी में की थी। अगला है कि डीएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो द्विकुंडल के घूर्णन के आधार पर डीएनए को हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं, पहला डीएनए बीडीएनए और दूसरा क्या होता है, जेड डीएनए होता है, यानी कि दक्षिणावर्ती डीएनए और वामावर्ती डीएनए। अगला है कि डीएनए के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ डीएनए, डीएनए के क्या कार्य होते हैं, पहला है डीएनए का प्रमुख कार्य आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाना होता है, यानी कि ट्रांसमिशंस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन। अगला है कि आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, राइबोज जो हैं वह एक श्रृंखला होती हैं, यह कोशिकाओं के केंद्र के अतिरिक्त यह कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। आरएनए में थायमिन नामक क्षार नहीं होते एवं इनकी जगह पर यूरासिल नामक क्षार होता है, यानी कि नाइट्रोजनस बेस होता है। आरएनए को निर्देश डीएनए से मिलता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करती हैं। आरएनए के प्रकार यानी कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए, तो यह जो है ना तीन प्रकार के होते हैं, पहला है आपका संदेशवाहक आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए और आगे है ट्रांसफर्स आरएनए यानी कि टीआरएनए। डीएनए की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ डबल हेलिकल्स मॉडल्स जो है उनका केमिकल्स प्रकृति क्या है, उनका नेचर क्या है, तो डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, यह एक क्या है, वृहताकार अणु होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड की तीन उप इकाइयाँ होती हैं यानी तीन सब यूनिट होते हैं, जिसमें से पहला है पेंटोज शुगर है यानी पाँच शर्करायुक्त यानी कार्बन युक्त शर्करा, आगे है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, अगला है कि चार नाइट्रोजन बेस यानी कि चार नाइट्रोजनीकरण क्षार है ना, जिसमें एडिनिन है, गुआनिन जो किसके अंतर्गत आते हैं, प्यूरिन बेस के अंतर्गत आते हैं, और थायमिन तथा साइटोसिन या पायरिमिडिन्स बेस के अंतर्गत आते हैं। आगे है शर्करा में स्थित फॉस्फेट ग्रुप जो है ना, और इनमें जब क्या होगा, बेस होगा और शर्करा होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, और बेस शर्करा के साथ फॉस्फेट ग्रुप रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड जो है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, पेंटोज शुगर के साथ साथ नाइट्रोजनस बेस होता है, और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, और फॉस्फेट ग्रुप अगर होगा तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। इसी न्यूक्लियोटाइड जो है ना, यही न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और एक श्रृंखला बनाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, ठीक है। आगे है कि आरएनए का क्या कार्य होता है, फंक्शंस ऑफ आरएनए, तो आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। आगे है चारगॉफ का नियम क्या है, तो डीएनए में क्या होता है, ए प्लस जी यानी एडिनिन प्लस गुआनिन बराबर होता है थायमिन की मात्रा जो होती है ना, थायमिन और साइटोसिन की मात्रा जो है
एक समान होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ए जो है ना थायमिन के बराबर होता है और गुआनिन जो है साइटोसिन के बराबर होता है, यानी कि एडिनिन का जितना मान होगा उतना थायमिन का भी मान होगा और साइटोसिन का जितना मान होगा उतना क्या होगा गुआनिन का मान होगा, जो क्या कहलाता है चारगॉफ रूल कहलाता है। आगे है कि डीएनए की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने के द्वारा जो है 1953 ईस्वी में किया गया था। इस खोज के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे है कि डीएनए किस में पाया जाता है, तो डीएनए जो है वह गुणसूत्र में होता है। आगे है कि डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो पहला है बलात्कारियों के, अगला है माता पिता और चोर, इन सबों में क्या होता है डीएनए उंगली छाप का उपयोग किया जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, यानी डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का किसने दिया, तो वाटसन एंड क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने 1953 ईस्वी में दिया। डीएनए किसका बहुलक होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का होता है। आगे है डीएनए किस में पाया जाता है, तो केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए के क्या क्या कार्य हैं, तो सभी अनुवांशिक क्रियाओं को संचालित करना और सभी प्रकार के जो है प्रोटीन को नियंत्रित करना, यानी संश्लेषण को नियंत्रित करना जो है डीएनए का कार्य है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र कहाँ स्थित है, तो सीडीएफडी यानी हैदराबाद, जो कहाँ है तेलंगाना। आगे है कि डीएनए हेलिक्स का व्यास कितना होता है, तो 20 एंगस्ट्रम होता है। आगे देखें तो यहाँ पर डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ जाती हैं और नाइट्रोजनस बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है आरएनए का आरएनए बनते हैं। कोशिका विभाजन में क्या होता है, तो इससे पहले डीएनए का क्या होता है द्विगुणन होता है, रिप्लिकेशन होता है और उसके बाद केंद्रक तथा कोशिका द्रव का विभाजन होता है। ट्रांसक्रिप्शंस किसे कहते हैं, तो डीएनए से आरएनए बनने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं। आगे है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। आगे है न्यूक्लियोटाइड कितने अणुओं से बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड जो है 3 सब यूनिट से बना होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। आगे है कि जीवित प्राणियों की उत्पत्ति किस रूप में होती हैं, तो एक कोशिकीय जायगोट के रूप में होती हैं। आगे है विभाजन में क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो दो गुणसूत्रों के बीच जीनों का आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर होता है। आगे है कि समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कैंसर कोशिकाओं में सूत्री विभाजन की क्रिया कैसी होती हैं, तो यह अनियंत्रित और असीमित होती हैं। सूत्री विभाजन का क्या कार्य होता है, तो कोशिकाओं की मरम्मत करना और जख्म भरना सूत्री विभाजन का काम होता है। जंतुओं में विभाजन कहाँ होता है, तो वृषण और अंडाशय में होता है। आगे है यदि दोहरे फंसे डीएनए में 20% साइटोसिन है, तो डीएनए में एडिनिन का प्रतिशत की गणना करें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक डीएनए जो है अणु में साइटोसिन अणुओं की संख्या गुआनिन के बराबर होती हैं और एडिनिन अणुओं की संख्या थायमिन के बराबर होती हैं। तो इसी आधार पर जो है ना, यदि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 20% साइटोसिन होता है, तो उसमें 20% जो है वह गुआनिन भी होगा। इस प्रकार से C+G कुल आधारों का योग कितना है 40%, अतः C 60% में एडिनिन और थायमिन का मान होगा। दोनों जो शामिल हैं जो समान मात्रा में हैं, तो एडिनिन का कितना मान हो जाएगा 30% हो जाएगा।